नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है, जिसमें कि हम जो है आने वाले जो लॉन्च होने वाले मोबाइल हैं, जो कि अब 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है, और ऐसे में जो है काफ़ी सारा कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो काफ़ी सारे हमारे लोगों की ये डिमांड आ रही थी, हमारे सब्सक्राइबर्स की भी डिमांड आ रही थी, कि हम मोबाइल एप्लीकेशन और जो है लैपटॉप एप्लीकेशंस के टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी जो है वीडियोज़ बनाएँ और लोगों की क्वेरीज को ख़त्म करें, और उन्हें ये बताएं कि कौन से सेगमेंट में कौन सा मोबाइल उनके लिए बेहतर हो सकता है। इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया है। 16 जून को नया मोबाइल लॉन्च होने वाला है वन प्लस का। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस कंपनी है, सभी आप जानते हैं। वन प्लस के मोबाइल्स प्रीमियम लेवल के होते हैं, और इसी सेगमेंट में वन प्लस ने नोड एक मोबाइल फ़ोन निकाला था आज से 8-10 महीने पहले। उसी में उन्होंने जो है अब CE जो है 5G वन प्लस नोट CE 5G, यहाँ पर CE का मतलब है कोर एडिशन, उसका कोर एडिशन निकाला है। ये 5G स्मार्ट लेस फ़ोन है, और यहाँ पर जो है अब इसकी बुकिंग शुरू होगी दोस्तों, क्योंकि वन प्लस में जो है प्राइस रेंज के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा फ़ोन होने वाला है, ऐसा हमें लगता है। और क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कंपेरिजन्स हो रहे हैं, और मार्केट में भी बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं सिमिलर रेंज के, लेकिन कुछ ना कुछ खासियत किसी न किसी फ़ोन में होती है। बाकी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, लेकिन इसके जो कुछ बेसिक्स हैं वो हम आपको बताएंगे। 5G एनेबल्ड ये फ़ोन है दोस्तों। इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये 30D प्लस चार्जर के साथ आता है। ऐसा बताया जा रहा है कि अगर आपकी बैटरी ज़ीरो है, और अगर आप आधे घंटे उस फ़ोन को चार्ज पर लगा देंगे इस चार्जर के साथ, तो 70% तक जो है आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, और लगभग 1 घंटे में ये फ़ोन पूरा चार्ज हो सकता है। दोस्तों, 4500 mAh इसकी बैटरी है। बैटरी भी इसने नोट के एडिशन में बढ़ाई है, पहले थोड़ी बैटरी कम हुआ करती थी, और ये 4500 mAh की बैटरी बहुत अच्छी होने वाली है। 64 MP ट्रिपल कैमरा आप देख सकते हैं, ये जो है आप बैक सेटअप में, और 19Hz का जो है एमोलेड डिस्प्ले। दोस्तों, एमोलेड डिस्प्ले के बारे में जो नहीं जानते हैं वो मैं बता देता हूँ। IPS और एमोलेड डिस्प्ले, ये अलग अलग तरीके के डिस्प्ले चलते थे, जो कि HD, फुल HD और 4K के रेजोल्यूशंस में काम करते हैं। उसमें एमोलेड डिस्प्ले सबसे ज़्यादा अच्छा होता है आपके कलर कॉम्बिनेशंस के लिहाज से, और आपके जो है व्यूइंग एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छा एनहांस करता है। दोस्तों, प्रोसेसर भी काफ़ी शानदार है, स्नैपड्रैगन 750G 5G इनेबल्ड रेडी है ये, और ऑक्सीजन OS ये वन प्लस का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर ये काम करते हैं ऑक्सीजन OS के लिए। और आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी अच्छा प्रीमियम लेवल का इसका जो है कलर है, देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। लाइटर बताया जा रहा है 170 grams, और आप थिनर भी देख सकते हैं 7.99 mm इसकी थिनेस्ट इसको कहा गया है। और दोस्तों, इसमें हेडफोन जैक भी वापस आया है, पुराने नोट में जो है हेडफोन जैक नहीं था, तो 3.5 mm जैक भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, जो हम आपको बता रहे थे 30T प्लस ये जो है काफ़ी फास्ट चार्जिंग भी आपको देता है, आप रेडी होते हुए भी जो है इसके फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, बैटरी आप देख सकते हैं 4500 mAh की बैटरी है, जो कि बहुत ही अच्छा काम करने वाली है। कैमरा दोस्तों लगभग सिमिलर सी आते हैं, 64 MP हो, 48 MP हो, ये सभी कैमरा की क्वालिटी आजकल बहुत अच्छी हो गई है। इसमें सिर्फ देखना ही होता है कि आपका जो सोनी का लेंस यूज़ होता है इसमें, वो किस पॉइंटर का यूज़ हो रहा है। इसी के साथ दोस्तों, इसमें जो है सेल्फ़ी कैमरा है वो 16 MP का है, और 16 MP का सेल्फ़ी कैमरा आपको यहाँ पर मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, आपको जो कह सकते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर है, वो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा डिस्प्ले के साथ ही, और भी बहुत अच्छा ये मोबाइल फ़ोन होने वाला है। इसी के साथ साथ हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं आपको दोस्तों, जो इसकी जो 90Hz पर ये काम कर रहा है, जो इसकी रिफ्रेश रेट है, वो 60 और 90 दोनों ऑप्शंस में आती है।
और 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट पर काम करने से इसका स्मूथिंग एक्सपीरियंस होगा। जब आप कोई भी मूवीज़ या कोई भी गाने वगैरह देखते हैं या आप वीडियो गेम्स वगैरह जो भी खेलते हैं उसमें जो है रिफ्रेश रेट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा ये एप्लीकेशन है और ये फ़ोन जो है मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा टक्कर देगा अभी जो इस रेंज में फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि 5G इनेबल्ड है और इस रेट में वन प्लस ने जो है बहुत अच्छा काम किया है। और आपको जो है इसके तीन वेरिएंट देखने मिल सकते हैं, 6GB रैम 128 जो है इसका स्पेस रहेगा मेमोरी का, 8GB रैम 128 और 12GB रैम 256 का जो है अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग रेट आएगी। 16 जून अभी आप इसको प्री बुक ऑर्डर कर सकते हैं, 16 जून से ये मार्केट में आ जाएगा, इसके बाद आप इसको जो है आसानी से अमेज़न पर ही खरीद पाएंगे। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके दोस्त भी फ़ोन लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।